हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए बजट 2024 में गोल्ड में कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो टैक्सेशन लगता है उसमें आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा पुराने टैक्सेशन में और जो नया टैक्सेशन पास हुआ है अभी जो बजट 2024 में पास हुआ है। देखिए जो पुराना टैक्सेशन था गोल्ड में वो काफ़ी अलग था और जो नया टैक्सेशन आया है काफ़ी अलग रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे वो कैसे काम करता था। अब देखिए अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया वो चाहे आपने डिजिटली किया या फिजिकली किया, डिजिटली जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप जो है फिजिकली कोई गोल्ड बार खरीदते हैं या फिर गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये मैं पहले टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ इस बजट के पहले की, तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर आप 36 महीने यानी कि 3 साल तक जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करते थे, मतलब आपने जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है उसको होल्ड करते थे 36 महीने के बाद, यानी 3 साल के बाद अगर आप अपने जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेल करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको LTC टैक्स लगता था, वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। अब अगर आपने 36 महीने के पहले यानी 3 साल के पहले उस गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको आपने सेल कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। अब देखिए पहले ही रूल था कि 3 साल आपको होल्ड करना है, 3 साल के बाद आप सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो था 20%, मतलब 20% था वो इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद। अब देखिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये होता है कि मान लेते हैं कि जो है किसी ने 2010 में गोल्ड बाई किया होगा, अब 2010 में गोल्ड बाई किया था तो उस समय इन्फ्लेशन क्या था और उसके बाद उसने जो है गोल्ड को सेल किया 2020 में, तो मान लेते हैं कि उसका जो प्रॉफिट था 50% था, 50% एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, 50% प्रॉफिट था, तो वहाँ पर इंडेक्सेशन के बाद क्या होता है कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके तो वहाँ पर क्या है कि उनको जो कैपिटल गेन टैक्स टोटल बनता था 50% के प्रॉफिट पे नहीं, वो करीब 30-35% के प्रॉफिट पे टैक्स लगता था। तो सिंपल है ये, मतलब समझिए कि इंडेक्सेशन के प्रॉफिट से आपको फ़ायदा ही होता था, आपके कैपिटल गेन टैक्स में आपकी जो टैक्सेशन वैल्यू होती थी वो कम हो जाती थी इंडेक्सेशन के बाद। तो और वहीं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 36 महीने से कम की लगता है, अगर आप 36 महीने या 36 महीने से पहले आपने गोल्ड को सेल कर दिया तो वो जो टैक्स लगेगा वो आपके टैक्स स्लैब पे लगेगा, मतलब आप जो जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं वहाँ पर आपका डायरेक्ट वो इस स्लैब में लग जाएगा। अब देखिए ये तो हुई बजट 2024 के पहले का जो टैक्सेशन था गोल्ड के ऊपर। अब अगर हम बात करें 2024 के जो बजट आया उसके बाद का जो प्रपोजल आया था उसमें जो टैक्सेशन रूल प्रपोज किया गया वो ये है कि देखिए जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था वो 36 महीने का था, लेकिन अब क्या हो गया ये 24 महीने हो गया, मतलब अगर आप 24 महीने यानी 2 साल के बाद अपने जो गोल्ड को सेल किया तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। तो देखिए जो वो 20% था इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद, अब वो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो हटा दिया गया और जो टैक्सेशन 20% का था LTC टैक्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 20% से घटाकर 12.5% कर दिया, जो कि इक्विटी में भी सेम ही हो गया है। अभी उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, वो किसी दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे कि इक्विटी के ऊपर LTCG और STCG टैक्स वो कैसे काम करता है अभी। तो जो गोल्ड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है वो 12.5% हो गया और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हटा दिया गया। अरे वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो वो 24 महीने से पहले अगर आप गोल्ड को सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जिसको हम STCG टैक्स बोलते हैं। तो अगर आपने 2 साल के पहले आपने जो भी गोल्ड सेल किया वहाँ पर आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपके जो मेन इनकम टैक्स स्लैब होगा, आप जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर आपको टैक्स देना होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे टैक्सेशन लगता है वो कैसे लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।